हाय गाइस, इट्स बीन लॉन्ग टाइम के मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रहा था। ये रीज़न इसलिए क्योंकि बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं अबाउट द व्लॉग्स एंड ऑल। मैं ये व्लॉग्स अपने हाथों से लेता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। शूट पे जब मुझे टाइम मिलता है तब निकालता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कुछ मोमेंट शेयर किया आप लोगों के साथ। और एक चीज़ थी कि बहुत सारे फैंस लोग अपने फ़ैन पेजेस पे डायरेक्टली जो मेरे वीडियो बनाता था विदाउट गिविंग क्रेडिट्स, विदाउट यू नो सब्सक्राइबिंग द चैनल और विदाउट यू नो थोड़ा भी एफर्ट्स लगाए बिना वो सीधा सिर्फ वीडियो उठाते थे, पूरा का पूरा डालते थे। ये भी नहीं कि उसके 15 सेकेंड 20 सेकेंड पूरा का पूरा वीडियो उठा के। सो इफ़ आई एम बिटवीन, ये तो होता ही है आई नो, बट कोई अगर एफर्ट्स अपने काम के बीच में निकाल रहा है, एक्टिंग इज़ नॉट अ केक वॉक, थोड़ा अपने उधर भी ध्यान देना पड़ता है। और इम्पॉर्टेंटली मैं वही करने आता हूँ, एक्टिंग करने आता हूँ, तो मैं उसमें से टाइम निकाल के ये वीडियोस बनाता हूँ। तो उसके बीच में टाइम निकाल के लोगों को यू नो रिक्वेस्ट करके वीडियोस बनाना एंड देन पुटिंग इट, एंड देन पीपल आर नॉट इवन गिविंग क्रेडिट एंड पुटिंग द वीडियो डायरेक्टली, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। एंड ऑल्सो ये नेगेटिव कमेंट्स, इट अफेक्ट्स मी अलॉट। सो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसके वजह से मैंने यू नो व्लॉग बनाना थोड़ा सा कम कर दिया। मैंने बोला उससे अच्छा तो मेरे एक्टिंग पे मैं ध्यान दूँ। और एक चीज़ है कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे थे, 20-30K 40K उससे भी ज़्यादा था व्यूज़ आ रहे थे। इतने मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ अपने काम से आफ्टर 13-14 आवर्स ऑफ वर्क शूट। घर पे जाके आई एडिट द वीडियो वाइल यू नो हैविंग माई डिनर। मैं डिनर करने के टाइम में वो एडिट करके वो वीडियोज़ डाला करता था और मैं बोलता था कि थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल दैट। तो लोग एक तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं और नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, एंड प्लस यू नो हमेशा कोई भी आर्टिस्ट ऐसा चाहेगा कि वो कुछ बनाए तो लोग उसको सपोर्ट करें एंड अच्छे कमेंट्स करें और शेयर करें, तो वो नहीं हो रहा था। तो आई एम अ काइंड ऑफ गाय कि मैं उस जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे रिटर्न्स अच्छे मिले, वैसा वाला हूँ मैं। ऐसी सोच रखना अच्छा है पूरा मुझे नहीं पता, बट यही था। बट अभी बहुत दिनों से, एक महीने से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, जो मैं देखता हूँ कि प्लीज़ आप व्लॉग बनाइए, तो मुझे उनके लिए बुरा लगा। एंड वही मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स डिसलाइक्स और ये नेगेटिव कमेंट्स ये मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, और ये थोड़े बहुत व्लॉग्स जितने मेरे से हो सकता है वो मैं डालूँगा। तो एक महीने में मैंने जितने व्लॉग्स नहीं डाले, 4-5-6 जो भी है, मैं जितने हो सकता है उतने मैं डालने की कोशिश करूँगा, यही मैं बोलना चाहता था। तो बस यही बोलूँगा यार कि सपोर्ट करो यार, कोई भी आर्टिस्ट कुछ करता है, अगर आपको उसको उससे कुछ आप चाहते हो तो आप भी उसको वो दो जो वो चाहता है। दैट इज़ लव, दैट इज़ सपोर्ट, दैट इज़ गुड पॉजिटिविटी। नेगेटिव कमेंट करके यार किसका क्या होने वाला है यार, मतलब क्या मिलता है मेरे को पता नहीं है। गालियाँ देखी या तो कुछ नेगेटिव बोल के, तो ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ना आप क्रेडिट दे रहे हो, ना आप पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हो, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। तो बस मैं यही बोलना चाहता था, प्लीज़ 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 फॉर मी, फॉर विक्रम राठौर, फॉर योर भोपू, फॉर वट एवर शोज़ का कैरेक्टर्स आप मुझे तब से फॉलो कर रहे हो, उसके लिए यार कि अगर एफर्ट्स डाल रहा हो तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो बाय सब्सक्राइबिंग, बाय कमेंटिंग गुड कमेंट्स एंड बाय शेयरिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शेयरिंग मुझे यही चाहिए एंड लाइक्स चाहिए। तो जो मैं चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहते क्या हो अगर कोई मुझे पूछता हो तो मैं यही बताऊँगा कि भाई जो मुझे चाहता है, मैं बहुत अपफ्रंट बंदा हूँ तो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ थी मुझे बतानी थी, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। एंड आई एम सॉरी कि मैंने जिन जिन लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए और मैं नहीं कर पाया, उनके लिए रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी फ्रॉम माई हार्ट। मैं अभी उसको उस टाइम को मैं ट्राई करूँगा कि यू नो वापस लाऊँ, मतलब बाई पुटिंग मोर एंड मोर व्लॉग्स। बाय।